मेरी अति प्रियो, आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। प्रभु चाहता है आप हमेशा भले चंगे रहें, इसलिए अपने वचन के द्वारा प्रतिदिन बातें करता है और आपसे वो आलचाल को पूछना चाहते हैं, आप कैसे रहते हैं। तो परमेश्वर हमसे प्यार करता वो प्रेमी प्रभु है। पहला पत्रस 5:7 वचन में प्रभु का वचन ये कहता है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज आपके चेहरा में इतना उदासी है, चिंता में, क्यों आप चिंता करते हैं? आपकी समस्या में है या आपके जीवन में कुछ घटना घटी उसके चलते चिंता में? प्रभु आपसे कहता है, एक प्रेमी परमेश्वर आज आपसे कहता है, क्यों चिंता में, क्यों इतना बोझ के साथ है, बहुत ही परेशान में है ना? क्या कहने से ये बदलेगा, क्या करने के द्वारा मेरी समस्या बदलेगा सोचते हैं ना? आज प्रभु आपकी समस्या को, चिंता को बदलेगा। प्रतिदिन प्रभु हमसे ध्यान देता, आज भी ध्यान के साथ वो कहता है, तुम क्यों इतना चिंता में है, मैं सारी समस्या को देख लूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों बोझ को उठाते हुए तुम चिंता में, तुम परेशान में क्यों? मेरे पास आओ और चिंता को उतार दो। अपने पास तुम्हारे बोझ को रखने के द्वारा कोई लाभ नहीं। आज यीशु कहता है, मेरे पास आ जाओ। तुम कितना चिंता में डूबते रहोगे, उतने ही बोझ से तुम परेशान रहोगे। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कलवारी क्रूस पर मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को और बोझों को उठा लिया। तुम अपने चिंता और बोझ को मेरे चरणों के पास लाओ। तुम्हें जो दुखों को सहना है, तुम्हें जो बोझों को उठाना है, क्रूस पर मैं सारे दुख और मुसीबतों को सह लिया। तुम्हें सहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास, मेरे चरणों के पास आने से मैं तुम्हें विश्राम दे सकता हूँ। प्रभु के पास आके उनकी चरणों के पास अपने बोझों को उतारने से अद्भुत काम होगा। हम क्या गलती करते हैं, ये घंटा परमेश्वर की चरणों के पास आके रोते हैं, प्रभु तू ही सब कुछ संभालना कह के आ जाते हैं। सारे बोझों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद उसी बोझ के साथ वापस आते हैं। प्रभु कहता है, मेरे चरणों के पास अपने बोझ को उतार के तुम हल्के हो जाओ, वापस बोझ के साथ नहीं, आनंद के साथ जाओ। अन्ना नामक एक बेटी, उनके पास संतान नहीं है, इतना निंदा अपमान में वो प्रभु के चरणों के पास आई, अपना दिल को उंडेल के उन्होंने प्रार्थना की थी। वचन में लिखा है, उसके बाद अन्ना कभी उदास में न रही। कारण क्या है? प्रभु की चरणों के पास आने के बाद उनको समझ में आ गया, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। तभी परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम किया, उनकी निंदा को प्रभु बदल दिया। आप भी उस बोझ के साथ वापस नहीं आना है। प्रभु तेरे चरणों के पास मैं आया हूँ, मेरे दिल की बोझ को तू समझता है, मुझे तू आजाद करे। क्या इस प्रकार आप कहने के लिए तैयार है, अपने बोझ को वहां उतारने के लिए तैयार है? हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, मेरे सारे दिल की चिंता और बोझ को तेरे चरणों के पास उतारता हूँ। इसके बाद उस चिंता को मैं आत्मे नहीं लूँगा और मेरे मन में बोझ नहीं रहेगा। मेरे सारे कामों में तू अद्भुत और चमत्कार मेरे जीवन में करने वाले हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।